इस फिल्म में हमें टॉम नाम के आदमी के बारे में बताया गया है जिसने पायरेट्स का खजाना ढूंढ निकाला था, लेकिन खजाना ढूंढने के बाद से उसकी कई सारी दुश्मन बन गए जिन्होंने खजाने के लालच में उसकी हत्या भी कर दी। पर टॉम ने मरने से पहले उस खजाने को छुपा दिया ताकि कोई भी आसानी से उस तक ना पहुंच सके। साथ ही उसने खजाने तक पहुंचने का नक्शा भी बनाया जिसकी मदद से कई लोगों ने खजाने ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो सभी उसमें असफल रहे। तो अब सवाल कि क्या कोई उस नक्शे को ठीक से समझकर खजाना ढूंढ पाएगा या वो खजाना हमेशा के लिए गुप्त रह जाएगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले प्लीज मेरी एक छोटी मदद जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एंथनी, डेविड और सैरा नाम की तीन लोगों को देखते हैं जो टॉम द्वारा लिखी हुई किताब के अनुसार खजाना ढूंढने निकले थे। लेकिन जब वो सभी उस किताब के अनुसार खजाना ढूंढने के लिए गुफा के पास आते तो उन्हें वहाँ कोई खजाना नहीं मिलता, पर तभी उनकी नजर आसपास के पेड़ों पर बैठे चमगादड़ों पर पड़ती है जिनकी आंखें चमक रही थी, जो देखकर वो तीनों डर के मारे गुफा के अंदर ही चले जाते। अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ एगी नाम की महिला अपने बेटे एंटोनी के लिए स्कूल का टिफिन बना रही होती है और टिफिन बनाते हुए अपने बचपन को भी याद कर रही थी, जहाँ बचपन में वो भी एक बार टॉम के खजाने को ढूंढने निकली थी, पर तब एक मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोक लिया था। लेकिन सही समय पर एक बिल्ली ने आकर मगरमच्छ पर हमला करके उसे वहाँ से भगा दिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो बिल्ली बोल सकती थी, जो देखकर एगी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब हम प्रेजेंट समय में एंटोनी को देखते जो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है, साथ ही उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे इसलिए अपनी माँ के साथ रहता है। इसके बाद अब एंटोनी वहाँ से स्कूल आता है जिस स्कूल में एगी टीचर है। तब एगी क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है जिसमें वो बच्चों को टॉम की किताब के बारे में भी बताती है कि वो खजाना सच में छिपाया गया है, इसलिए वो बच्चों को उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करने को कहती है क्योंकि छुट्टियां आने वाली है और छुट्टियों में बच्चे इस सफर पर जा सकते है, और इसके लिए वो बच्चों का ग्रुप भी बना देती है जिसमें एंटोनी की ग्रुप में सैरा और डेविड शामिल होते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद डेविड एगी को अपने प्रोजेक्ट में बनाए हुए एक हेलमेट दिखाता है जिसे किसी भी जानवर के सिर पर लगा दिया जाए तो वो बोल सकता है, और ट्राई करने के लिए वो उस हेलमेट को एगी के बिल्ली पर लगा देता है। लेकिन वो पहले से ही बोल और समझ सकती थी इसलिए वो कोई भी हरकत नहीं करती, जो देखकर डेविड को लगता है कि उसका हेलमेट खराब है इसलिए वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में एंटोनी घर के स्टोर रूम में अपने पिता से जुड़ी हुई चीजें ढूंढ रहा होता है, तब उसे वहाँ टॉम की एक किताब दिखाई देती है जिसे देखकर उसे लगता है कि ये किताब भी बाकी किताबों की तरह है जिसे समझना आसान काम नहीं है। पर जब वो उस किताब को खोलता है तो उसे कुछ जगह मार्किंग्स और डायग्राम बने दिखाई देते हैं, साथ ही उस किताब में एक पत्र भी होता है जिसे जेम्स नाम के आदमी ने अपने दादा टॉम के आखिरी समय में की गई चीजों के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर एंटोनी को एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि टॉम ने खजाने का नकली नक्शा बनाया था ताकि कोई भी जल्दी उस खजाने तक ना पहुंच सके, और असली खजाने का नक्शा तीन हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगह छिपा दिया गया, और जो भी वो तीनों हिस्सों को प्राप्त कर लेगा वही जान पाएगा कि खजाना असल में कहाँ छिपाया गया है। अब एंटोनी डेविड और सैरा को भी वो किताब पर बनी मार्किंग्स और वो पत्र दिखाकर कहता है कि हमें खजाना ढूंढने जाना चाहिए, हो सकता है इस मार्किंग का पीछा करते हुए हम खजाने तक पहुंच जाए, जिस पर तीनों मान जाते हैं और तुरंत खजाने ढूंढने निकल पड़ते हैं। जहां आगे बढ़ते वो सभी सबसे पहले उसी गुफा के पास आते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब गुफा के अंदर आने के बाद उन्हें एक बक्सा दिखाई देता है जिसमें ढेर सारा खजाना रखा हुआ था, जो देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता इसलिए वो तुरंत सभी खजाना लूटने लगते। लेकिन उनकी ये खुशी तब उदासी में बदल जाती है जब एक आदमी आकर उनसे कहता है कि एक अम्यूजमेंट पार्क है और ये खजाना भी नकली है जिसे बच्चों के लिए रखा गया है, जो जानकर एंटोनी और बाकी एकदम निराश हो जाते हैं। पर उनकी इस हरकत के कारण अम्यूजमेंट पार्क का ओनर उन्हें मार्क नाम के डिटेक्टिव के पास भेज देता है, लेकिन मार्क उन तीनों को माफ कर देता है। साथ ही उन्हें बताता है कि मैंने अपने पिता से सुना था कि उनके परदादा टॉम के दोस्त थे जिन्होंने एक आदमी के साथ मिलकर वो खजाना छिपाया था,
लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें जरा भी सच्चाई है, क्योंकि अगर वो खजाना सच में होता तो कोई ना कोई उसे ढूंढ निकालता। इसलिए तुम लोग भी खजाना ढूंढने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जो इतना कहकर रैगी को फोन करके चला जाता है ताकि एंटोनी और बाकियों को यहाँ से ले जा सके, लेकिन मौका देख वो तीनों वहाँ से भाग निकलते। दूसरी तरफ हैरिस नाम का आदमी जो कॉलेज के समय एगी का दोस्त हुआ करता था, वो चुपके से अपने भतीजे को एगी के घर पर भेज देता है ताकि वो टॉम की किताब को चुरा सके, जिसमें एगी ने मार्ग बनाए है, क्योंकि वो कई बार उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर चुकी है लेकिन आज तक उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वहीं हैरिस का भतीजा स्टोर रूम में आकर उस किताब को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो किताब एंटोनी के पास है जिसकी मदद से ही वो खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एगी माँ के पास आती है ताकि एंटोनी और बाकियों को घर ले जा सके, लेकिन वो सभी तो पहले ही वहाँ से भाग चुके थे, इसलिए वो माँ के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एंटोनी और बाकी उस किताब के जरिए नक्शे के हिस्से को ढूंढ रहे होते हैं, जिसे ढूंढते हुए सभी एक शमशान घाट पहुंच जाते हैं। तब उन्हें किताब में एक नाम लिखा मिलता है, इसलिए वो उसके शक को आगे पीछे करके एक नाम बनाते हैं और फिर उस नाम के इंसान की कब्र को शमशान घाट में ढूंढने लगते हैं, जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाता है। और अब जैसे ही वो सभी उस कब्र को छूते, धक्का लगने के कारण वो खुल जाता है, जिसके अंदर उन्हें नक्शे का एक हिस्सा मिलता है, जो देखकर तीनों खुश हो जाते। पर तभी वहाँ एगी और माँ का जाते, जहाँ एगी जबरदस्ती उन्हें घर ले जाने लगती है क्योंकि उसने बच्चों को जो खजाना ढूंढने को कहा था वो अम्यूजमेंट पार्क वाले ही था, ना कि असली वाला। असली ढूंढने में तो उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन एंटोनी और बाकियों के काफी जिद करने पर वो भी उस नक्शे के अनुसार खजाना ढूंढने के लिए मान जाती है, इस उम्मीद में कि जो खजाना वो अब तक अकेले नहीं ढूंढ पाई वो शायद बच्चों के साथ ढूंढ सके। इसलिए अब सभी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आते उनका रास्ता एक पुलिस वाला रोक लेता है, जिसे हैरिस ने ही भेजा था, इसलिए वो पुलिस वाला उन पर गन तान कर उनसे नक्शे की मांग करता है। दरअसल हैरिस काफी समय से एगी और बच्चों का पीछा कर रहा है, जिससे उसे भी सारी चीजों के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने पुलिस वाले को भेजा ताकि उसे नक्शा छीन कर हैरिस को दे सके। पर एंटोनी और बाकी खुद को बचा कर जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलते, लेकिन दुर्भाग्य से वो नक्शा पुलिस वाले के हाथ लग जाता है। वहीं अब वो सभी एक जगह आकर सोचने लगते हैं कि अब वो खजाना कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि नक्शे का पहला हिस्सा पुलिस वाले के हाथ लग गया था। तब एगी उनसे कहती कि मैंने नक्शे में दिए गए सारी जरूरी जगहों को याद कर लिया था, इसलिए एगी तुरंत एक पेपर पर वो सारी जगह बना देती है, जिसकी मदद से ही वो सभी उस नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने पर उन्हें कई सारे छोटे पत्थर दिखाई देते जिन पर अलग अलग सिंबल बने हुए थे, जहां उन पत्थरों को उनके सही सीक्वेंस में रखना होगा। तब सारा किताब में दी गई पहेली पढ़कर उसे समझने के बाद उन पत्थरों का सही सीक्वेंस बताती है, जिसे लगाते ही सामने रखा बड़ा पत्थर दो हिस्सों में बट जाता है, जिसकी अंदर से उन्हें एक नाव मिलती है और उस नाव पर किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, इसलिए सभी उस जगह के लिए निकल पड़ते। अब आगे बढ़ते हुए सभी उसी जगह पहुंच जाते जहां बचपन में उस मगरमच्छ ने एगी का रास्ता रोका था, और अब भी वो मगरमच्छ उनका रास्ता रोकने आ जाता है। तब डेविड अपना बनाया हुआ हेलमेट उस मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है, जिससे वो मगरमच्छ भी बोलना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी दंग तो वहीं खुश भी हो जाते और अब उस मगरमच्छ से दोस्ती भी कर लेते। फिर इसके बाद वो सभी उस कोऑर्डिनेट वाली जगह पर पहुंचकर खुदाई का काम शुरू कर देते, जहां खुदाई करने पर अंत में उन्हें नक्शे का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जो देखकर सभी खुश हो जाते। लेकिन अब तीसरे हिस्से को ढूंढने के लिए उन्हें दोनों हिस्सों को आपस में मिलाना होगा, तभी उन्हें तीसरे हिस्से की लोकेशन मिलेगी। इसलिए सारे लोग हैरिस से वो नक्शा प्राप्त करने की एक योजना बनाते और उस योजना के अनुसार सभी हैरिस के पास आकर अपने प्लान को अंजाम देते हुए आसानी से उसे नक्शा ले लेते, जहां उनके साथ वो मगरमच्छ भी होता है, जिसे देखकर हैरिस और बाकी डर के मारे वहां से भाग जाते। अब नक्शे के दोनों हिस्सों को मिलाने के बाद उन्हें एक गाना लिखा हुआ मिलता है, जिस गाने को गुनगुनाते हुए एगी ने माँ के मुंह से सुना था, इसलिए अब सभी माँ के पास आते और उसे नक्शा और गाना बताते हुए वहां लिखी पहेली को समझाने को कहते ताकि नक्शे के तीसरे हिस्से का पता लगा सके। माँ को तो इस पर इतना विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे कहता है कि ये गाना हमारे फैमिली का गाना है, जिसे मेरी दादी ने मेरे
सीता को और फिर मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। साथ ही वो उस पहेली को भी आसानी से समझकर उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ नक्शे का तीसरा हिस्सा है, इसलिए सभी तुरंत उस जगह आ जाते हैं। और ये वही जगह होती है जहाँ काफी साल पहले टॉम की खजाना लूटने वाली ने हत्या कर दी थी। तब वो लोग वहाँ पर नक्शे का आखिरी हिस्सा ढूंढने लग जाते हैं जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाती है। लेकिन तभी वहाँ हैरिस अपने साथियों के साथ आ जाता है जो उनसे नक्शा लेकर वहाँ डायनामाइट्स लगा देता है ताकि वो लोग हमेशा के लिए उसी जगह पर फंस कर रह जाए, जिसके बाद हैरिस और बाकी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब जैसे ही डायनामाइट्स विस्फोट होते वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिस वजह से एगी और बाकी वहीं फंस जाते हैं। इसीलिए अब सैरा अपने ड्रोन की मदद से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है जो उन्हें मिल तो जाता है लेकिन वो काफी ऊंचाई पर था, इसलिए अब वो ड्रोन को एगी की बिल्ली के पास भेजती है जिसे देखकर बिल्ली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो पुलिस वालों के साथ एगी और बाकियों के पास आती है जहाँ पुलिस वाले उन सभी को गुफा के बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए एक बार में आ जाता है लेकिन तभी वहाँ एगी और बाकी भी पहुंच जाते हैं जहाँ अब एगी उसे बताती कि मेरे पिता जेम्स ने काफी समय पहले मुझे खजाने तक पहुँचने की सारी चीजें बता दी थी क्योंकि उनके परदादा टॉम की उन्हीं दोस्तों में शामिल थे जिन्होंने खजाना ढूंढा था और वो नहीं चाहते थे कि खजाना किसी भी गलत इंसान के हाथ लगे। मैं चाहती तो कब का वो खजाना ढूंढ सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि वो खजाना वहीं सुरक्षित रहे। लेकिन हैरिस उसे कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, मैं उस खजाने को प्राप्त करके ही रहूंगा, जो इतना कहकर वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। एगी भी अब तलवार से उसका मुकाबला करती है लेकिन जब हैरिस एंटोनी को मारने वाला होता है तब वो उससे रिवील करती है कि एंटोनी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा है, मैंने तुमसे ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि तुम मुझे धोखा देकर चले गए थे, जो जानकर हैरिस के साथ साथ एंटोनी भी एकदम हैरान हो जाता है। लेकिन हैरिस आगे कुछ सोच समझ पाता मार्क वहाँ कर उसे ले जाता है। अब एगी एंटोनी से सच्चाई छुपाने के लिए उससे माफी मांगती है और इतनी मेहनत करने के लिए उन्हें खजाने तक ले जाने के लिए भी मान जाती है, इस शर्त पर कि वो खजाना नहीं लेंगे और सारे नक्शे वो वापिस भी कर देंगे, जिस पर सभी मान जाते हैं। और फिर सारे लोग नक्शे के तीनों हिस्सों को जोड़ने के बाद मिली जगह पर आकर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं, जहां उन्हें एक बहुत ही बड़ा संदूक मिलता है जिसके अंदर खजाना था और उस खजाने को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर उन्होंने खजाना ढूंढ ही निकाला, जिसके बाद वो सभी जहाँ जहाँ खजाने का नक्शा था उसे उसकी जगह वापस रख देते ताकि वो खजाना हमेशा दुनिया से सुरक्षित रहे। जीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।